छोड़ दे बालवीर, 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 मोंडो छोड़ दे उसे। ए मानव, पिद्दी की तरह क्या चिल्ला रहे? ये भी ऐसी आवाज बालवीर के पास नहीं पहुंचने वाली। चिल्ला जोर से, चिल्ला! बालवीर, 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 छोड़ दे, बालवीर, बालवीर, बालवीर। हेल लटकट परी, मोंडो को चाहिए थोड़ी सी बुद्धि, इसलिए होने लगे उसे गुदगुदी। बालवीर आ गया, बालवीर आ गया। बालवीर तुम आ गए? क्यों, अब मानव की तरह मुझे भी हवा में लटकाओगे? नहीं बालवीर, वो तो मैं उन दोनों को इसलिए परेशान कर रहा था ताकि वो तुम्हें बुला सके। मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करनी है ना। सॉरी मानो, मैं सॉरी सॉरी बोल दिया मालवीर। मैं तुम्हारे दोस्त कभी नहीं बन सकता। क्यों? मेरे पास बड़ा सा घर है, बड़ी सी गाड़ी है और बड़ा सा पेट भी है। मेरे पास बहुत सारे टॉयज भी है, बहुत सारे वीडियो गेम्स भी है और बहुत कुछ है। तुम मेरे फ्रेंड बनो ना। वो मानो मेरे के पास क्या है? इनके पास सच्चाई और सच्चाई की ताकत है। वो तो मैं भी ले लूंगा, उसमें क्या है? बस आप बता देना कहाँ मिलते हैं। रोहित केवल, ये लो, बालवीर जी जहाँ से बोले ना वहाँ से अच्छाई और सच्चाई लेके आओ। मोंटू, अच्छाई और सच्चाई कोई बाजार में नहीं मिलती। तो फिर किधर मिलती है? मेरे पापा बहुत बड़े आदमी है, उनकी पापा गिरी ना सब जगह चलती है। मैं किधर से भी लेके आ जाऊंगा? मोंटू, अच्छाई और सच्चाई कोई चीज नहीं है जो खरीदी जा सके। वो एक गुण है जो मानव और मेहर के अंदर है और तुम में नहीं है। और जब तक वो गुण तुम में नहीं आएगा, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा। तो मैं क्या करूं? अच्छे और सच्चे बनो। ए, जब दो बड़े बात करते ना, तब छोटे बिच्छे नहीं बोलते। समझा? भागो इधर से। ऐसे भी तुम लोग का काम हो गया, भागो। मोंटू, तुम्हारा यही गुस्सा तुम्हें अच्छा और सच्चा बनने नहीं देता। इसलिए जब तक तुम अच्छे और सच्चे नहीं बनते, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा। तो मैं अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल लाऊं? बालवीर जी, आप भी थोड़ी सी हेल्प कर दो ना, प्लीज थोड़ी सी हेल्प। मुझे आपका फ्रेंड बनना ही है। ठीक है, मैं तुम्हें गुस्सा भगाओ मंत्र देता हूँ। जब भी तुम्हें गुस्सा है, एक लंबी सांस लेके ये मंत्र बोलना। अगड़बम तगड़बम तबड़िक तबड़िक हो हो हो। ये मंत्र तो मैं आराम से बोल दूंगा। अगड़म बगड़म रबड़ी रबड़ी। नहीं बॉस, अगड़बम बगड़बम भबड़िक भबड़िक हो हो। रुक रुक रुक, मैं बताता हूँ। अगड़बम तगड़बम कबड्डी कबड्डी। तुम लोग ना, तुम लोग के साथ मेरी बीजत रस्ते पे लाओगे। गति कहीं के बालवीर जी, मैं अभी ये मंत्र अच्छी से रट्टा मार के आता हूँ। चलो रे। अगड़बम मेरे को बोला है ना, अगड़बम तगड़बम रबड़ी रबड़ी। थैंक यू बालवीर, थैंक यू बालवीर, तुमने हमें उस शैतान मोंटू से बचा लिया। पर बालवीर, अगर मोंटू सच और अच्छा बन गया तो सचमुच तुम उस शैतान मोंटू के दोस्त बन जाओगे। हाँ मानो मेहर, मोंटू है क्या, दुनिया का कोई भी शैतान बच्चा अच्छा और सच्चा बन जाएगा तो मैं उसका दोस्त जरूर बन जाऊंगा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये भविष्यबीन है। भविष्यबीन? हमें भी दिखाओ ना। अरे हाँ, क्यों नहीं, ये लो। ये यंत्र परिलोक में बनाया गया है। इस यंत्र में जाकर मैं अपना भविष्य देख सकता हूँ और कोई भी बच्चा मुसीबत में पड़ने वाला हो तो उसकी मदद भी कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया यंत्र है।
गया मुसीबत में। मानो मैं अभी उसे बचा के आता हूँ। अरे बालवीर, देख मेर, बालवीर तो चला गया पर अपना भविष्य भी नहीं भूल गया। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो वापस आकर ले जाएगा। मेहर, तब तक हम इसमें अपना भविष्य देखते हैं। नहीं मानव, ये गलत है। ये बालवीर का भविष्य भी नहीं, इसमें सिर्फ वही अपना भविष्य देख सकता है। ऐसा बालवीर ने कहा। नहीं ना, तो फिर क्यों मना कर रही है? और वो तो हमारा दोस्त है, दोस्तों में टॉय स्टीफन शेयर होती है। और मैं देखता चाहता हूँ, जैसा पापा ने आज हमें लिस्ट बनाकर डांटा है, वैसे कल डांटेंगे या नहीं। ठीक है, चल हम दोनों एक साथ देखते हैं। ए महर, मेरे भविष्य में तो सब अंधेरे ही अंधेरे दिख रहे हैं। अरे सच्चे बोल रहा हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है। दिखेगा कैसे, तूने गलत आँख बंद की है। मेरे दोनों बच्चे बिगड़ गए हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। मैंने तो फैसला कर लिया है कि दोनों को पंचगनी लेके जाऊंगा और हॉस्टल में डाल दूंगा। अरे पूरा तो देखने देता, अब तुझे मम्मी पापा से दूर हॉस्टल जाते हुए भी देखना था। तुझे तो इतना देखकर ही रोना आ रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ, ज्यादा शरारतें मत किया कर। तो मैं ही शरारत करता हूँ। आज पापा के लिस्ट में से तो आधी से ज्यादा शिकायत तेरी थी। ठीक है ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब मैं आगे देखती हूँ कि हम हॉस्टल गए या नहीं। शायद मम्मी ने मना लिया होगा पापा को हमें हॉस्टल ना भेजने के लिए। चलो देखते हैं। बालवीर, अरे मैं अपना भविष्य बीन तो यही भूल गया था। शुक्रिया इसे संभाल के रखने के लिए। ला, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। अभी मैं चलता हूँ। बाय बालवीर। ठीक, अरे क्यों थाक रहे हो? ए तड़तड़ी सुसुड़ी, जाओ जाके सबको बताओ कि मुन्ना भाई भयंकर बड़ी से मिलके आ रहा है। ए बुलेट, तू क्या बोल रहा है? ए तड़तड़ी सुसुड़ी, जाओ जाके सबको बताओ कि मुन्ना भाई भयंकर बड़ी से मिलके आ रहा है। ए फुसके, क्या बोल रहा है ये भाई? अपना भा, भा, भा। अबे छोड़ ए सुसुड़ी तड़तड़ी, जाके सबको बोले दो, लिपस्टिक को बोलो कि मुन्ना भयंकर परी से मिल के आला, समझे क्या? चकास। ओए आया है मुन्ना भयंकर परी को मिल के आया है। आया है मुन्ना भयंकर परी से मिल के आया है। हाँ, अरे इन दोनों की खोपड़ी में आयला रे, लेकिन लिपस्टिक उसको कब समझ में आएगा रे? ओ गॉड हेल्प मी। लिपस्टिक, अरे रे रे रे, इतना क्यों हाँ रही हो? जैसे कोई तूफान आया है। ओ जी आया है, मुन्ना लीडर आया है, मुन्ना लीडर आया है। तो मैं क्या करूँ? ओए बुलाया है, उसने सबनों बुलाया है। बुलाया है, उसने सब को बुलाया है। उससे कहो लिपस्टिक अभी मेकअप कर रही है, और लिपस्टिक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। अब मैं भालवीर को अपना फ्रेंड बना के ही रहूंगा, उसके सामने सच्चाई और अच्छाई का पाठ। सॉरी मोंटू, गलती हो गई, सॉरी। बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें, टकराया क्यों मुझसे? मोंटू को टकराया? बोल टकराएगा आगे से? आगे से नहीं, मैं तो पीछे से टकराया। हाँ बॉस, वो तो पीछे से टकराया। अब उसको ऐसे पूछो, टकराएगा पीछे से? टकराएगा? ए मजाक उड़ाते हो मेरा, मजाक उड़ाते हो। सबको देख लूंगा, पहले पिट्टी को पीटूंगा, फिर तुम दोनों को पीटूंगा। अरे नहीं नहीं बॉस, नहीं नहीं, अरे गुस्सा नहीं, बालवीर ने बोला था ना
गुस्सा नहीं, गुस्सा किया तो फ्रेंडशिप नहीं। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। बॉस लंबी लंबी सांस, लंबी। बॉस बॉस, ओ अगड़बम तगड़बम, अगड़बम तगड़बम, तबड़ीक तबड़ीक। ये घोड़ा चला रहा है क्या? अरे ये गधा क्या घोड़ा चलाएगा? ए क्या बोला? अरे बस मैं तो इसको समझा रहा था कि आप अपना गुस्सा कंट्रोल करो। अब देखना मोंटू बॉस को हम कुछ भी करेंगे ना या कुछ भी बोलेंगे वो गुस्सा नहीं करेंगे। अच्छा कैसे? देखना है तेरे को ना, अब भी दिक्कत हो। देखा अभी मैं इसको धक्का दूंगा लेकिन ये कुछ नहीं बोलेगा। देखा बॉस कंट्रोल। तबड़ीक तबड़ीक। देख अभी मैं इसको शर्ट भी बाहर निकालूंगा ना तो भी इसका कुछ नहीं होगा। अगड़बम तगड़बम। बॉस कंट्रोल। तबड़ीक तबड़ीक। ओहो इसके टाई खींच के दिखाओ। अरे इसमें क्या रखा है रुक अभी बताता हूँ। ये देख अगड़बम तगड़बम। अरे बॉस कंट्रोल। तबड़ीक तबड़ीक। अभी देखा मैं इसको गुदगुदी करूंगा ना फिर भी अब कुछ नहीं करेगा केवल। अरे ये सब तो ट्रेलर था, इसको मैं कितना भी मारूंगा ना ये मुझे कुछ नहीं करेगा। अभी अभी जो बोला वो करके बताओ। अरे इसमें क्या है? अगड़बम तगड़बम। भाई जल्दी से अपना भाषण शुरू करना सब थक रहे ले। क्या रे? भाई जल्दी से अपना भाषण शुरू करना सब थक रहे ले। ए फुसके क्या बोल रहा है ये? भाई अपना अरे तू कितना अटकता है रे फुसकी। अपुन को लगता है अपुन को अपना भाषण शुरू करना चाहिए क्योंकि सब थक रहे हैं। भाई भाई लेकिन अभी तक लिपस्टिक नहीं आई है। अरे अभी सब बोल डालेगा तो अपुन उस पे इंप्रेशन कैसे जमाएगा? हाउ डू आई डू? भाई वो देखो लिपस्टिक आ गई। ए फुसके क्या बोल रहा है? भाई अरे देखो लिपस्टिक आ रही है बस। मुन्ना अभी मुंह खोल के देखता ही रहेगा ये मुंह से कुछ बोलेगा भी? अपन को यहाँ क्यों बुलाया है? ओए क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? ए क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? और हाँ जो बोलना है जल्दी बोल के खत्म कर। अपुन लोग तुम्हारी तरह बस पेड़ का रस पीकर जिंदगी नहीं चलाते, बहुत काम करना पड़ता है अपुन लेडीज मच्छर लोग को। इससे पहले लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर ले सबको डंक मारने जाने का है। जाना है जाना है जाना है जाना है। अरे अभी सबको डंक नहीं मारने का, सिर्फ बच्चे लोगों को डंक मारने का, और वो भी निंदियो रस से भरा हुआ डंक, समझे क्या? निंदियो रस? क्यों खुल गए अभी दिमाग के खिड़की दरवाजे? गन्ने का रस सुनेला था, संतरे का रस सुनेला था, सेब का भी रस सुनेला था, लेकिन ये निंदियो रस क्या नया आइटम है रे? कोई क्या नया आइटम है? क्या नया आइटम है ये? क्या नया आइटम है? क्या नया आइटम है? मस्त आइटम है ये, समझ लो सब लोग के ये निंदियू रस अपनी जिंदगी बढ़ाने का फॉर्मूला है। बस सबको बस एक छोटा सा काम करना है। अभी भयंकर परी पीछे से वो निंदियू रस भेज रही है, तुम्हें उस रस को अपने डंक में भरना है। फिर लेडीज मच्छर बच्चों को काटेगी और निंदियू रस बच्चों की बॉडी में छोड़ेगी।
और जेंट्स मच्छर बच्चों की उंगलियों में निंदू रस छोड़ेंगे। समझ में आई क्या, या तुम्हारे भी छोड़ू? जितने बच्चों को निंदू का इन्फेक्शन होगा उतने दिन तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी। ए मुन्ना, तू कहीं फेंक तो नहीं रहा? ओए फेंक रहा है, फेंक रहा है, फेंक रहा है, फेंक रहा है हो? अरे सच बोल रहा है अपुन, ऐसे ही अपुन को यहाँ सब मुन्ना लीडर नहीं बोलते। अभी फटाफट चलो, याद रखना एक बच्चे को काटने पे एक दिन का जिंदगी। चलो रे सब। अरे रुक जाओ रुक जाओ, तुम ये क्या करने जा रहे हो? जिंदगी बढ़ाने जा रहे हैं मास्टर जी, तुम भी चलो। बच्चों को कष्ट देकर तुम अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहते हो? ये एकदम गलत तरीका है। याद रखो जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ पिक्चर हॉल में ही अच्छी लगती है मास्टर जी। जिंदगी बढ़ेगी तभी तो बड़ी होगी ना। ये 15 दिन की जिंदगी भी कोई जिंदगी है? नहीं, ऐसे बड़ी हुई जिंदगी भी किस काम की? अरे जब हम पेड़ का रस पीकर जिंदा रह सकते हैं तो फिर बच्चों को क्यों दर्द देना? ये मास्टर जी, आपने तो जी ली है अपनी जिंदगी, पर अब उन लोगों का भी और जीना है। इसलिए भाई जिसको भी लंबी जिंदगी जीना है वो अब उनके पीछे आए, बाकी यहाँ रह के मास्टर जी की टांगे दबाए। समझे क्या? समझे। शाबाश फुसकी, शाबाश, तू सचमुच एक भला मच्छर है। सिर्फ तूने ही मेरी शिक्षा को समझा है, शाबाश। वो मास्टर जी, मेरा इंजन अटक के शुरू होता है। सॉरी मास्टर जी, मैं भी जा रहा हूँ। मत काटो बच्चों को, रुक जाओ। मुन्ना भाई किधर है तुम्हारा नींद का कीटाणु वाला रस? मेरे को जल्दी से अपना जिंदगी लंबा करने का है। क्या बोला बे? मुन्ना भाई किधर है तुम्हारा नींद का कीटाणु वाला रस? मेरे को जल्दी से अपना जिंदगी लंबा करने का है। ए फुसके, क्या बोल रहा है ये? बोला के के कचरा? नहीं, ये बोला की की कीचड़? नहीं, ये बोला के के। फुसकी तू रुक, मैं समझाती हूँ। ए मुन्ना, किधर है तेरा निंदू रस? बहुत बड़े बड़े बोल बोलता था। ओए लिपस्टिक, निंदू आएगा बोल रहा हूँ। कहाँ से? आसमान से। ओए आसमान से, आसमान से। ए आसमान से, आसमान से। ये आसमान से टपका हुआ खजूर कौन है? ओ, कौन खजूर है जी, कौन खजूर है? कौन है खजूर, कौन है खजूर? मच्छर! तू नहीं, मैं खजूर हूँ। मैं परी भयंकर का प्रधानमंत्री। तोबा तोबा। अबे मंत्री नहीं संतरी। ए मच्छरियो, ये वो छछुंदर जिसको भयंकर परी ने पता नहीं काय को पाल के रखा है। ये मच्छर रस लगा क्या? अबे बोलना। मच्छर, छछुंदर, संतरे, अपमान, घोर अपमान। देने आया था मैं तुम्हें निंजू रस, अब नहीं दूंगा। जा, जो करना है कर लो, जा। ये लंगूर उड़ा के पटकूंगे तेरे को, जैसा भयानक लोक में पटका था याद है के नहीं?
खिटोली रहा था कर मैं खिटोली। आप जो चाहिए बुला लीजिए मुझे। छछुंदर मच्छर लंगूर चलेगा। देखा क्या, अरे कैसे हुई के बदले फूल बरसने लगा। अरे तू भी कभी कोई फूल की पत्ती वत्ती फेंक दिया कर अपन की तरफ। फूल नहीं धूल फेंकेगी। ओए जान निकल जाएगी। अभी इस मेंढक से काम की बात कर। काम की? ए मेंढक, अबे किधर है वो औरस? मेंढक चलेगा, मेंढक भी चलेगा। ये लीजिए, नींबू रस लेने से पहले एक जरूरी सूचना है। फरमाया परिवहन करने के शुरू करना तुम लोग अपना काम एवीपी स्कूल से। एवीपी स्कूल? वो तो इधर बाजू में ही छे। अच्छा, ये तो फिर लेडीज मच्छर एंड जेंटलमैन मच्छर लोग अपना अपना टंकी फुल कर लेने का इस निंजू रस के साथ। उसके बाद अपुन करेंगे एवीपी स्कूल पे अटैक, बोले तो कैप्टन अटैक। चलो हम जाओ शुरू। दंगा नहीं मस्ती नहीं, मिलेगा सबको मिलेगा। फाइल भी डाल दी। सुनिए आपका बैग रेडी है। आया आया। लो आ गया तुम्हारा हीरो, अरे जी भर के देख लो। लो आ गया तुम्हारा हीरो, ए जी भर के देख लो। ये आपका रुमाल और ये आपका टिफिन और ये आपका बैग, ठीक है? स्मिता स्मिता स्मिता, अरे तुम्हारा हीरो आया है, देखो। क्या? कहाँ? कौन सा? पास में शूटिंग चल रही है क्या? मैं देखती हूँ। अरे नहीं, शूटिंग नहीं चल रही है स्मिता, शूटिंग नहीं चल रही है। तुम्हारे सामने खड़ा हीरो। मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अरे सामने, ये मैं, मेरी बात कर रहा हूँ। आप जाने दीजिए, हीरो तो वो होता है जो अपनी पत्नी को हीरो का हार ला कर दे। हार? हीरो का हार? महंगाई के जमाने में जो अपनी पत्नी को हीरो का हार देता है ना, वो हीरो नहीं सुपर हीरो कहलाएगा। और याद करो तुम्हारी माँ क्या कहती है। वो हमेशा कहती है कि उसका दामाद मतलब मैं हीरो हूँ, हीरो। माँ तो बेचारी बोली है, कुछ भी कह देती है। अच्छा तुम क्या कहती हो, क्या मैं हीरो नहीं हूँ? जाने दीजिए, आप सच सुन नहीं पाएंगे, कड़वा होता है ना। नहीं, मुझे सुनना है आज, मुझे सच सुनना है आज, मैं सच सुन के ही रहूंगा। सच? कड़वा वाला सच। ठीक है, अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ, आप हीरो नहीं है। मैं हीरो नहीं हूँ? मैं तो अभी तक यही समझता रहा कि मैं तुम्हारा हीरो हूँ और तुम मेरी जिंदगी की हीरोइन। हीरो ऐसे थोड़ी बनते हैं, हीरो बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या? अपनी पत्नी को शॉपिंग के लिए ले जाना, उसको बाहर खाना खिलाने ले जाना, घूमने फिरने ले जाना, आप ये सब करते हैं? नहीं नहीं ना, वो पता है मिसेस पटेल सामने जो रहती है, उनके हस्बैंड हर महीने उन्हें बाहर घुमाने ले जाते हैं, खाना खिलाने ले जाते हैं, शॉपिंग करवाने ले जाते हैं, वो है असली हीरो। अच्छा समझ गया हूँ स्मिता, मतलब अगले महीने से मैं भी मिसेस पटेल को बाहर खाना खाने ले जाऊँ, घुमाने ले जाऊँ या शॉपिंग पे ले जाऊँ, तो मैं भी हीरो बन जाऊंगा। अरे स्मिता स्मिता स्मिता, मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। हाँ स्मिता, ये घर की जिम्मेदारियों में मैं तुम्हें तो भूल ही जाता हूँ। अब मैंने तय किया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर महीने मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊं, हर महीने तुम्हें खाना खिलाने घुमाने। स्मिता हर महीने ये थोड़ा मुश्किल है। अरे नहीं बाबा, मैं भी मजाक ही कर रही थी,
मुझे नहीं जाना है कहीं बाहर घूमने या खाना खाने या शॉपिंग करने। इस घर की जितनी जिम्मेदारियां आपकी है उतनी मेरी भी तो है। मिलकर बांटेंगे नहीं तो पूरी कैसे करेंगे? तो जाइए जिम्मेदारियां पूरी कीजिए। अरे ऑफिस जाना है या नहीं? अरे ऑफिस तो ऑलरेडी देर हो गई थी मैं तो। और सुनिए, इस परिवार के असली हीरो आप ही हैं। और तुम्हारा? मेरे भी। सीता रुकी। अरे क्या बोला, जैसे आपने बिल्कुल कर आया हूं मैं वैसा ही। अब काटेंगे मच्छर एवीपी स्कूल के बच्चों को सबसे पहले। शाबाश तबा तबा, बहुत अच्छे। परी भयंकर, क्या वाकई में लंबी हो जाएगी जिंदगी उन मच्छरों की जब डालेंगे वो नींदू रस के कीटाणु बच्चों में? परी भयंकर, नहीं सुनाया मैंने आपको कोई चुटकुला है? पूछा एक सवाल, फिर हंस क्यों रही हो आप पागलों की तरह? बेवकूफ हो तुम, और बेवकूफ हैं वो सारे मच्छर जो ये समझते हैं कि उनकी जिंदगी बढ़ जाएगी। हाँ? किसी की जिंदगी नहीं बढ़ने वाली। वो बेचारे मच्छर तो मेरे नाम पर शहीद हो जाने वाले हैं। हाँ? अच्छा, तो फिर कर क्यों रही हो इतना बड़ा बछेड़ा सिर्फ कुछ बच्चों को सुलाने के लिए? अगर सुलाना ही है बच्चों को तो लोरी सुना देती उनको और सुना देती बच्चों को बारी बारी से। धीरे से आ जा रे अखियां में नीलियां आरी, आ जा धीरे से आ जा आजा आजा कुछ 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 कुछ। चुप बेवकूफ, सिर्फ सुलाने के लिए नहीं सुला रही हूँ मैं उन्हें, मैं उन्हें सुलाना चाहती हूँ ताकि बालवीर जाग जाए। जाग जाएगा? अच्छा, मतलब बालवीर भी है सोया हुआ? मतलब परी भयंकर, सीधे सीधे समझाइए ना, है क्या आपका इरादा? सुनो, इस नींदी रस के कीटाणुओं का इलाज सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। जब बहुत सारे बच्चे सो जाएंगे तब बालवीर की आंख खुलेगी और वो चाहकर भी उन बच्चों को नींद से नहीं जगा पाएगा, और फिर उसे मेरे पास आना ही होगा। अपनी नाक रगड़ते हुए उसे मेरे पास आना ही होगा। गया समझ परी भयंकर, है बुना इतना सारा जाल आपने बालवीर को फंसाने के लिए। वाह परी भयंकर वाह, अगर होती मेरे पास अशरफिया तो लुटा देता दो चार अशरफिया आपके ऊपर। ले ले जा मजा ले। बस हो यार, चलो जाओ यार। लेकिन हाँ, मंत्र पढ़ते रहना बालवीर ने दिया हुआ। थबड़ी तो ही गुस्सा कंट्रोल होगा। मोटो हट, ये मेरी जगह है। ठीक है, बैठ जा तेरी जगह पे, मैं कहीं और जाके बैठता हूँ। थबड़ी बम थबड़ी बम थबड़ी।
मोंटू, ये उसकी प्लेस है, उठ यहाँ से। मोंटू चल, सरक इधर से, ये मेरी प्लेस है। मोंटू ने अपने गुस्से पे तो काफी हद तक काबू पा लिया है। अब अगर ये अच्छे काम करने लग जाए और सच्चा बन जाए तो बालवीर को इसका दोस्त बनने में बहुत खुशी होगी। What? उसे कहो वो भी मेरी कैबिन में आकर मुझे इस्तीफा दे दे। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे जरा भी इनडिसिप्लिन पसंद नहीं, समझे? नॉनसेंस, गेट आउट। नहीं नहीं, मेरा मतलब है सिट डाउन, सिट डाउन। महेश, ये कंपनी और मैं, हम दोनों तुमसे बहुत खुश हैं। हमारे आने के बाद हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं और हिसाब किताब में भी गड़बड़ी कम हो गई है। नहीं, गड़बड़ कम नहीं हुई है सर। What? इसका मतलब है मेरे स्टाफ ने मुझे झूठ बोला? नहीं नहीं सर, स्टाफ ने झूठ नहीं बोला है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि गड़बड़ कम नहीं हुई है, गड़बड़ खत्म हो गई है सर। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। महेश, कर मैंने सोचा है कि तुम्हें पूरे परिवार के साथ फॉरेन भेज दूं। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं इतना छोटा था ना, नहीं इतना छोटा था ना, तब से मुझे स्विट्जरलैंड जाने का बहुत दिल है सर। तो सर पासपोर्ट कब भिजवाऊं? पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ सर, अपनी कंपनी इतनी बड़ी है, उसका खाली विजिटिंग कार्ड दिखाएंगे ना तो किसी भी कंट्री में एंट्री मिल जाएगी। नहीं महेश, मैं तुम्हें पंचगनी भेज रहा हूँ। पंचगनी? नहीं सर, आपने तो फॉरेन कहा था सर। फॉरेन भेजूंगा ऐसे नहीं कहा, फॉरेन फॉरेन भेजूंगा। फॉरेन? हाँ, इसीलिए मैंने वहाँ की बेस्ट होटल का पैकेज बनवाया है, लो और अपने परिवार के साथ फॉरेन चले जाओ। फॉरेन फॉरेन चले जाओ। हाँ चलेगा सर, पंचगनी फॉरेन जाएंगे, बिल्कुल चलेगा सर। थैंक यू। थैंक यू तो मैं तुम्हें कहूंगा, जब आते वक्त तुम वहाँ की मशहूर स्ट्रॉबेरीज ले आओगे मेरे लिए। सर ये भी कोई कहने की बात है सर, आपके लिए एक किलो, सर मैं एक किलो का पैकेट लाऊंगा स्ट्रॉबेरी का। नहीं नहीं, एक किलो नहीं चाहिए सर, लेना पड़ेगा, एक किलो का पैकेट तो लेना ही, कितना कम होता है सर। एक किलो नहीं चाहिए। सर नहीं सर, नहीं, मेरी बात अरे, एक किलो नहीं चाहिए, 42 किलो चाहिए। अच्छा 42 किलो? अरे 5 किलो तो मेरी बेटी की ससुराल में चली जाएगी, 3 बुआएं हैं, 11 भाई बहन हैं और उनकी भी बुआएं हैं, तो ले आऊंगा सर। आ गया एबीपी स्कूल, शुरू कर अटैक। क्या बोला बे? बुलेट बोला कि आ गया एप्पल नहीं ए, 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 मंचार नहीं ए, 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 फुस्की, अरे छोड़ा भी तू, ये देख आ गया एवीपी स्कूल। हाँ वही वही, अभी इधर से शुरू होगा अपना अटैक, चलो रे सब। ले चाय ले शर्मा। हाँ हाँ। अरे भाई शर्मा मत, चाय ले। अरे मेरा सिर्फ नाम शर्मा है, मैं कोई शर्माता और माता नहीं हूँ, चल बैठ। ये मस्त लगा, ये शर्मा नाम है गलिया। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ शर्मा, पूरे परिवार को पंचगनी ले जा रहा हूँ। तू पंचगनी जा रहा है तो मेरा एक छोटा सा काम करेगा? हाँ क्यों, ए भाई एक मिनट, तेरे 12-13 भाई बहन तो नहीं है ना? 3 बुआएं हैं, चाचा मामा काका मासी। अरे 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, पंचगनी में ना बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल्स हैं, मुझे बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हॉस्टल्स? हाँ वही, जहाँ बच्चे रहते हैं पढ़ते हैं घर वालों से दूर। और बच्चों को क्यों घर वालों से दूर? देख भाई, जब बच्चे बिगड़ जाते हैं ना तो उनको सुधारने के लिए घर वालों से दूर हॉस्टल में भेजना ही पड़ता है। अच्छा मतलब बच्चों को हॉस्टल भेजने से बच्चे सुधर जाते हैं? हाँ। लेकिन शर्मा मुझे ये बता कि ये इन्फॉर्मेशन तू क्यों निकलवा रहा है भाई? क्योंकि मैं अपने बच्चों को हॉस्टल भेजना चाहता हूँ। पर क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे बहुत बिगड़ चुके हैं, अरे मेरी कोई बात नहीं सुनते, मैं उन्हें पंचगनी हॉस्टल में छोड़ के आ जाऊंगा। हाँ
वो देखो, वो अपना शिकार। सबसे पहला शिकार तो लिपस्टिक ही करेगी। All the best, all the best। For a lipstick। हमें हॉस्टल नहीं भेजेंगे। उस भविष्यवीन ने हमें गलत फ्यूचर दिखाया होगा। क्योंकि हमारे घर में कोई ऐसी छलनी है नहीं। नहीं ना। और तू एक बात बता, छलनी से कोई कॉइन उछालता है? नहीं। और पापा वैसी कलरफुल शर्ट पहनते हैं? भाई लिपस्टिक बच गई। भाई भाभी लिपस्टिक बच गई रे। भाई अरे बच गई मेरी लिपस्टिक। ये लिपस्टिक इतना घाई नहीं करने का, अपुन तो डर गया था। बकवास। फिर भी वो होने वाला है। वो भूषण हमें बालवीर ने दी थी, बालवीर। और उसका दिया हुआ भूषण कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ ये तो है, अब क्या करें? अच्छे बन जाते? अच्छे तो हम हैं। हैं, पर शायद से मम्मी पापा को नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम उनके सामने और अच्छे बच्चे बनेंगे। हाँ, तेरी बात सही है। हम और ज्यादा अच्छे बनेंगे, ताकि पापा हमें होस्टल भेजने का नाम ही ना ले। चल क्लासरूम में चलते हैं। हाँ चल। ये भाई लोग, देखो कोई भी घाई मत करो। मैं बोलेगा किसको कब और कैसे काटना है, समझिए क्या? ये लो, किसको काटना है कैसे काटना है, तेरी डायलॉग बाजी के चक्कर में गया शिकार हाथ से। ओ जी गया शिकार हाथ से, गया शिकार हाथ से, ए गया शिकार हाथ से, गया शिकार हाथ से। कोई हंसेगा नहीं, कोई हंसेगा नहीं, समझे क्या तुम लोग? लीडर है अपुन। देखो लेडीज मच्छर लोग, तुम लोग स्कूल के गार्डन वाला एरिया में जाके बच्चों को काटो। और जेंट्स मच्छर लोग, तुम सब मेरे साथ क्लासरूम चलो, उधर जाके हम बच्चों के हाथ में निंदु के कीटाणु छोड़ेंगे, समझे क्या? ए सुड़सुड़ी तड़तड़ी, लिपस्टिक का ध्यान रखना। ए लिपस्टिक बेस्ट ऑफ लक रे। एक ना एक दिन इस को हाँ मैं बदल के रहूंगा। चलो रे अटिए। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। इतने सारे शिकार आसू पार्टी है अपना पार्टी। क्या बोला वे? ये बोला ये सारे शीशे नहीं। अरे तू छोड़ रे, देख कितने सारे शिकार, आज तो अपनी पार्टी है रे पार्टी। तो सोच क्या रहेला भाई लोग, करो अटैक। अंदर तो मच्छर मारने वाली मशीन लगी है। भाई बचो, भाई बचो, भाई बचो, भाई बचो। गया। अरे जब तक मुन्ना है किसी मच्छर का बाल भी भागा नहीं होने देगा, समझे क्या? अभी लिपस्टिक इधर होती तो मेरा डेयरिंग देख के ना
अभी के अभी शादी वाला लेती अपुन से जस्ट मैरिड। ये तो उल्टा अपने ऊपर ही अटैक हो गया। अरे जिंदगी लंबी करने के चक्कर में अपुन लोग लंबे हो जाएंगे इधर। अरे जान बचानी है तो भागो। अबे निकल। कितनी बचत हो जाती है ना जब सामान एक साथ आ जाता है। तुम लोग स्कूल से कब आए? पता ही नहीं चला। ना कोई शोर ना मस्ती। आते ही बैग फेंककर फुल वॉल्यूम में टीवी भी ऑन नहीं किया और वहीं पे बैठे बैठे ये भी नहीं कहा मम्मी भूख लगी है नाश्ता दो, भूख लगी है नाश्ता दो। मम्मी वो सब तो गंदे बच्चों का काम है ना, हम तो अच्छे बच्चे हैं। हमने तो आधे जूते उतारे और सब धोने डाल दिए। हाँ माँ, स्कूल बैग्स अपनी जगह रखे और स्कूल ड्रेस भी चेंज कर लिया। हम लोगों ने हाथ मुंह धोए, फ्रेश हुए, तब जाके यहाँ तक पहुँचे। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ माँ, अब ये चमत्कार रोज हुआ करेगा। आप बस जल्दी से मटर और गाजर वाला उपमा बना दो ताकि हम दोनों नाश्ता करके अपना अपना होमवर्क करने लग जाए। क्यों माना? हाँ 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 माँ, साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने के बाद गाजर मटर वाला उपमा खाने का मजा ही कुछ और है। ये हो क्या गया तुम लोगों को? एक ना एक दिन तो ये होना ही था माँ। हाँ माँ, एक दिन तो हर बच्चे को अकल आ जाती है, हमें थोड़ी सी जल्दी आ गई बस। ठीक है, जो भी हो तुम दोनों सुधर गए ना वही बहुत है। अब तुम लोग सुधर गए हो तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। ओके माँ। एक काम करते हैं, ये राशन का जो सामान लाई हो ना वो पहले निकाल कर यहाँ रख दो और फिर किचन में सेट करने में मेरी मदद कर दो। ठीक है? ओके माँ। हाँ ये छलनी है। ये तो हमें भी पता है, लेकिन ये छलनी यहाँ क्या कर रही है? मतलब आप क्यों लाई ये छलनी? अरे क्यों लाई हूँ मतलब, बनिए से इतना सारा सामान लिया है तो उसने फ्री गिफ्ट दिया है। क्यों दिया? मेरा मतलब है कुछ और नहीं दे सकता था? हाँ माँ, इसे एक्सचेंज कर देते, इसके बदले कुछ और ले आते। नहीं नहीं, मुझे ये छलनी चाहिए। और मैं देख रही हूँ तुम लोग काम कम और बातें ज्यादा कर रहे हो, जल्दी जल्दी काम में अपना हाथ चलाओ, तब तक मैं दूसरा काम खत्म कर लेती हूँ। वो होने ही वाला है, वो होने ही वाला है। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। सवाल अब तेरी बारी है, हम सब छुप जाएंगे और तू हमको ढूंढेगा। ठीक है, चल आग बन कर। शिकार मिल गया, अब तुम लोग दूसरी गली पकड़ो। छल्ली छल्ली कर रही है और मम्मी वो छल्ली लेकर बाहर आएगी, फिर मम्मी वो छल्ली में कॉइन चलेगी, फिर पापा वो शर्ट पहनेंगे, फिर हम दोनों हॉस्टल जाएंगे। नहीं मानव, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो छल्ली आ गई होगी बाई चांस हमारे घर में, और पापा थोड़ी ना वैसे कलरफुल शर्ट पहन दे, वो तो सिंपल शर्ट पहन दे। तू डर मत, तू बिल्कुल मत डर। खुद तो डर रही है, मुझे बोले डर मत डर मत। और ऐसा भी तो हो सकता है पापा ऑफिस से आएंगे तो रंगीन शर्ट लेके आएंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा। स्मिता देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। देखो देखो, मैंने बोला था वो होने वाला है, वो होने वाला है। मानव नॉर्मल रहे, हम लोग देख तो लेते क्या हो रहा है। आजा स्मिता, स्मिता
देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। स्मिता क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे? आप तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे अपने मुमताज के लिए ताजमहल लेकर आए। हाँ भाई हाँ, मुमताज के लिए ताजमहल भी लेके आऊंगा। वो वाला खिलौने की दुकान में मिलता है ना, वो छोटा शोपीस, वो वाला। वो ही सही, पर लेकर तो आइए। हाँ हाँ लाऊंगा, वो भी लाऊंगा, लेकिन अभी तो देखो ये ये क्या, रुमाल? नहीं, इससे क्या वो खिलौने वाला ताजमहल साफ करेंगे? नहीं नहीं, चाइना वाइना चिंगी मिंगी चाओ चाओ मान चाओ। ये देखो, अरे ₹100 चाइना का माल, ₹100। मेरे दोनों बच्चे बिगड़ गए हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। मैंने तो फैसला कर लिया है कि दोनों को पंच लेके जाऊंगा और हॉस्टल में डाल दूंगा। ओ जी, इस बच्चे का निशाना गलत हो सकता है पर मेरा नहीं। शर्ट पहनते नहीं है, फिर क्यों उठा लाए ऐसी फूलों वाली शर्ट? हाँ पापा, इस शर्ट को वापस कर दीजिए, ये आपके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करती। हाँ पापा, आपके ऊपर सिंपल शर्ट ही अच्छी लगती है, जैसा कि आपने अब भी पहना है। अरे क्या हो गया है आप लोगों को, मैं ये शर्ट ऐसा घर में या ऑफिस में थोड़ी पहनने वाला हूँ, स्पेशल ओकेजन पे पहनने वाला हूँ। स्पेशल ओकेजन कौन सा? मैं बाद में बताऊंगा। क्यों, अभी क्यों नहीं? ये क्या इशारे कर रहे हैं आप और बिना आवाज के बोले जा रहे हैं? माँ, लगता है पापा दमशरस खेल रहे हैं। आप दमशरस खेल रहे हैं? चलो सब साथ में मिलके खेलते हैं, चलो। नहीं, बच्चों के सामने वो ओकेजन में नहीं बता सकता। क्यों? चलो मेरे पास, चलो। अब पापा अंदर जाके उस शर्ट पहनेंगे, फिर मम्मी वो छल्ली लेकर आएगी, फिर मम्मी छल्ली में वो कॉइन उछलेगी और फिर पापा हमें हॉस्टल भेज देंगे। मतलब डरा मत। डरा नहीं रहा हूँ, डर रहा हूँ, सच्चाई से डर रहा हूँ। तू डर, मैं सोचती हूँ। हाँ तू क्यों डरा रही है? मैं डरा नहीं रही हूँ। चल धवल उठ, उठ धवल, तेरी बारी आ गई तो तू सो गया। उठ धवल, उठ उठ उठ। पहले बच्चे के शरीर में डाल दिए मैंने निंदियों के कीटाणु और साथ में एक दिन पड़ गई मेरी जिंदगी, मैं 15 से 16 की हो गई। थैंक यू सतुरा। अरे क्या हुआ इसको, जल्दी। अरे उठ ना धीरेन। अरे उठ धीरेन। ओ बल्ले ओए, बढ़ गया मेरी जिंदगी का एक और दिन। आज जो बच्चों को काटने में मजा आया है ना, वो पहले कभी नहीं आया। चक देता है। एक दिन बढ़ने पे इतना मत उछल, चल चल अभी तो बहुत ब्यूटी बढ़ानी है हम लोग को। हाँ हाँ चलो चलो, मेरी तो झुरियाँ भी आने लगी है, पहले उनको हटाना है। तो चलो बाकी बच्चे को भी काटते हैं और देते हैं उन्हें निंदियों के कीटाणु और खुद लेते हैं अपनी जिंदगी बढ़ाने का टॉनिक। ए जिंदगी बढ़ाने का टॉनिक, जिंदगी बढ़ाने का टॉनिक। ओह माय गॉड, बताइए क्या वही जो हम नहीं बताना चाह रहे थे? स्मिता, जो मैं नहीं बताना चाहता हूँ मैं क्यों बताऊँ? अरे वो बात जो आप बच्चों के सामने नहीं बताना चाह रहे थे। वो हाँ हाँ वो
बेटा हम लोग ना अपने बच्चों को पंच की। आप दोनों अंदर कैसे आए? दरवाजे से। मुझे पता है क्यों आए अंदर। अरे पापा आपने ही तो कहा था कि आप बाहर नहीं बात कर सकते, इसलिए हम अंदर आ गए। और माँ ने हमेशा सिखाया है कि हमें आपके दिखाए हुए रास्ते पे ही चलना चाहिए। तो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये बाहर का रास्ता दिखा रहा हूँ, वहाँ पे उस रास्ते पे चलो। क्यों ऐसे बात कर रहे हैं बच्चों के साथ, वो कुछ कह थोड़ी रहे हैं। कह नहीं रहे हैं लेकिन सुन तो रहे ना। मैं नहीं चाहता कि मैं जो इनके बारे में सोच रहा हूँ ये सुने या कुछ जाने। मगर पापा अगर आपने हमारे लिए सोचा वो हम क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं और तुम्हारी मम्मी सोचेंगे, तुम दोनों को सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन महर क्यों बहस कर रही है पापा से, क्यों उनको गुस्सा दिला रही है? और कहीं ऐसा ना हो जो कल होने वाला है वो अब भी हो जाए। क्या भाई क्या, कल क्या होने वाला है जो आज हो जाएगा? वही जो मम्मी के छानने के बाद आपके पहनने के बाद डाइनिंग टेबल पे होने वाला है, वो होने वाला है, वो होने ही वाला है। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे पापा अगर नहीं बताना चाह रहे तो छोड़ ना, जाने दे। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, चल। बच्चों के साथ इस तरह से बात कर रहे थे, नाराज होकर गए हैं, अब मुझे मनाना पड़ेगा। नहीं मनाना पड़ेगा, जब उनको पता चलेगा ना मैंने उनके बारे में क्या सोचा है तो नाचने लगेंगे। तो आपने बताया क्यों नहीं? सीता मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज क्या? सीता मैं बच्चों को पिकनिक पे पंचगनी ले जाना चाहता हूँ। पिकनिक पे पंचगनी? क्या है स्मिता कि मुझे ऑफिस में अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से 3 days and 4 nights पंचगनी पूरे फैमिली के लिए हॉलिडे पैकेज मिला है, तो मैं उनको वहाँ ले जाना चाहता हूँ। मैं अभी बच्चों को बता दूँ? नहीं नहीं स्मिता, बच्चों को नहीं बताना है, बच्चों को ही तो नहीं बताना है, क्योंकि क्या होगा अभी से बता देंगे ना तो अभी से पिकनिक बनाना चालू कर देंगे ना। हाँ, वो तो है। बच्चों को बताना नहीं। नहीं नहीं बताओ। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? सुन सुना आती क्या खंडाला? क्या करूं आके मैं खंडाला? बच्चों को काटेंगे, भयंकर को खुश करेंगे, जिंदगी बढ़ाएंगे, फिर शादी मनाएंगे, और क्या बकवास। अरे भाई आप ख्यालों में खोए हो क्या? अरे भाई आप ख्यालों में खोए हुए हो क्या? अरे भाई आप ख्यालों में खोए हुए हो क्या? अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, देखते नहीं हो ख्यालों में खोया हुआ हूँ? आज तो लिपस्टिक को प्रपोज करके ही छोड़ेगा, समझा क्या?